अब कैब और ऊबर की ड्राइवर्स की मनमानी बंद हो जाएगी। लगातार बढ़ रही यात्रियों की शिकायत के बाद ओला और ऊबर कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पिछले कुछ समय में सरकार के पास ओला ऊबर जैसी कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों की कई शिकायतें मिली थी। इसके बाद CCPA ने कंपनियों से इस मामले पर बैठक करके इस शिकायतों का निवारण करने को कहा था। सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इन कैब और ओला ड्राइवर की मनमानी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का तय किया है। CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कैब कंपनियों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों के बीच में यह आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर कोई भी कैब ड्राइवर बिना किसी ठोस कारण की कस्टमर द्वारा बुक की गई राइड को कैंसिल करता है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अब CCPA ने ग्राहकों से कैश में किराया लेने पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया है। बता दें कि पिछले कुछ समय में सरकार के पास ओला उबर जैसी कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों की कई शिकायतें मिली थी। इसके बाद CCPA ने कंपनियों से 10 मई 2022 को इस मामले पर बैठक करके इन शिकायतों का निवारण करने को कहा था। इसके साथ ही कंपनियों से इन शिकायतों के लिए जवाब भी मांगा था। इन सभी शिकायतों में से सबसे प्रमुख शिकायतें थी बिना वजह राइड कैंसिल कर देना, तय किराया से ज्यादा वसूलना, गाड़ी में AC ना चलाना आदि। ऐसे में CCPA ने इन शिकायतों के खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आप कैब ड्राइवर मनमानी करते हुए ग्राहकों से ज्यादा किराया वसूलते हैं या लोकेशन पूछने के बाद राइड कैंसिल करते हैं तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अब कैब ड्राइवर किसी ग्राहक से कैश मोड में पैसा नहीं लेगा और इसे केवल ऑनलाइन मोड में ही पैसा लेना होगा। जो कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करेगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।